आज सुबह दरोगे वाले में होने वाले एहतजाज में इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूँ, जिस पेट्रोल पंप को जो है मुजाहरीन की जानिब से आग लगाई गई थी। ये पेट्रोल पंप जो है इस वक्त बिल्कुल ही जल के खाकसर हो चुका हुआ है। ये पीएसओ का पेट्रोल पंप था जिसकी जो मशीनें इस वक्त जो है गिरा दी गई हैं मुजाहरीन की जानिब से। और अंदर यहाँ पर जो एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा, लूटमार भी की गई थी। यहाँ जो मुजाहरीन थे उन्होंने शदीद लूटमार भी की और यहाँ पर मौजूद अंदर जो कागजात थे उनको जला दिया, निकाल के फेंक दिया। यहाँ पर पैसों की जो है वो लूटमार की गई और तमाम का तमाम जितना अमला था उसको भी जदोकोब किया गया। इस वक्त यहाँ पर मुजाहरीन दोबारा भी जमा और यहाँ पर उनकी जानिब से यह एहतजाज है कि पेट्रोल पंप के मालिक को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, जिसने जो है यहाँ फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की हलाकत का जिम्मेदार भी बना। और एक शख्स जो है मुजाहरीन इस वक्त देख रहे हैं दोबारा जो है यहाँ पर एकदम उनके अंदर जो है शिद्दत पैदा हुई है और उनमें साथ जो है वो यहाँ पर दोबारा मुश्तिल भी हो रहे थे। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है जो मुजाहरीन सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों को जो है एहतजाज करने दिया जाए और इस पेट्रोल मालिक को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। बार बार जो है यहाँ पर शिद्दत होती है, बिल्कुल सामने जो है पाकिस्तान मिंट भी है और लोग जो है यहाँ पर भरपूर अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। पेट्रोल पंप की हालत जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि मशीनों को जो उखाड़ कर फेंक दिया गया। इसके अलावा जो दूसरी अंदर मौजूद जगहें थी वहाँ पर उनको आग लगा दी गई, यहाँ से लूटमार भी जो है वो की गई है। सुबह ये जो यहाँ पर निकलना जुलूस था बिल्कुल पुरअमन था और उसमें एक चीज जो हमने देखी थी कि लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, सिर्फ इस पेट्रोल पंप के मालिक से मुतालबा किया गया था कि जो है इस पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ मौजूद गार्ड ने जो है यहाँ आग फायरिंग कर दी, जिसके बाद एक शख्स जो है जख्मी हुआ। उसके बाद दोबारा जो फायरिंग की गई उसमें दो शख्स जो है वो जख्मी हुए, जिसमें एक शख्स जो है वो हलाक हो गया। इस पेट्रोल पंप में अभी भी आग लगी हुई, तमाम जो यहाँ पर ये बनाई गई थी बेकरी की शॉप जो उसको लूट लिया गया और यहाँ से चीजों को निकाल के ले गए। जो इसके ऑफिस थे इस ऑफिस को जो है यहाँ से लूटा गया और यहाँ से चीजें और पैसे निकाले गए। पुलिस ने जो है यहाँ से डॉलर और दूसरे जो पाकिस्तानी करेंसी है उसको बरामद भी किया और उसको अपनी कस्टडी में भी ले लिया, लेकिन लोग जो है उससे कबल यहाँ पर लूटमार कर चुके हुए थे। लाहौर में जो है इस वक्त जो है मुजाहरे हैं उनमें शिद्दत में इजाफा भी होता जा रहा है और लेकिन जो सबसे अलमनाक बात है कि यहाँ पर जो है निजी इमलाक उनको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके नतीजे में जो है वो लोगों का नुकसान भी हो रहा है। तकरीबन यहाँ पर जो है इस आज होने वाले नुकसान की वजह से जो है करोड़ों रुपया जो है वो खाकसर भी हुआ है। इस पेट्रोल पंप को जो है नुकसान भी पहुंचाया गया, उसके साथ यहाँ जो मौजूद अमला था उसको भी जदोकोब किया गया। अमला जो यहाँ मौजूद था वो खुद यहाँ पर लेबर था, उसका नुकसान था। अब यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जो है वो यहाँ से मुजाहरीन भगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल आग ना बुझाई जाए और उसके ऊपर बकायदा जो है दोबारा उसको भी मारा जा रहा है कि यहाँ से जो लेकर वापस चला जाए, ताकि जो है जो मुजाहरा है उनका वो जारी रहे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की गाड़ी आई थी जो जिसका मकसद ये था कि इस पेट्रोल पंप में लगी हुई आग को बुझाया जाए। यहाँ नीचे पेट्रोल टैंक्स हैं जिनके अंदर मजीद आग भड़कने का खदशा भी है। पेट्रोल जो है जगह जगह बिखरा हुआ हमें नजर आ रहा है और आग जो है इस वक्त भी अभी लगी हुई है। डीजल्स के और दूसरे मोबाइल के जो कंटेनर है उनको जला दिया गया। ये वो बेकरी शॉप है जो इस खंडर का मंदिर पेश कर रही है। आतिशबाजी कर दी गई, आग लगा दी गई, चीजें यहाँ से जो है वो लूट ली गई। लेकिन आज सामने ही बिल्कुल पाकिस्तान मिंट भी है और तमाम का तमाम जो जीटी रोड है इस वक्त ब्लॉक पड़ा हुआ है, ट्रैफिक के वाले से लोग मौजूद हैं। और पुलिस की जो एक अहम जो बात सामने आई है कि आज लाहौर में होने वाले जितने भी एहतजाज हैं पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशा ही बनी रही है। अगर पुलिस जो है बर वक्त यहाँ पहुंचती तो इतना बड़ा जो नुकसान है वो ना होता, इन मुजाहरीन को भी मुश्तिल होने का मौका जो है वो मुयसर ना आता। इसके साथ जो पेट्रोल मालिक है उसकी जानिब से जो फायरिंग की गई है उसके हलाकत भी जो है वो बिल्कुल ना होती, लेकिन पुलिस अभी भी जो है यहाँ किसी को नहीं रोक रही। और पुलिस का जो मौका है उनका कहना है कि लोग अपना गम और गुस्सा जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और उनको जो है गम और गुस्सा बाहर निकालने की इजाजत भी है, लेकिन एक तरीके से। जहाँ पर जो लोग हैं उनसे यही कहा गया है कि ज्यादातर जो है नुकसान ना करें निजी इमलाक को। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी जो मुजाहरीन है वो इन सब चीज़ों पर लगे हुए हैं और चीज़ों को उठा रहे हैं, जला रहे हैं। लोगों की निजी इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुल्क भर में जो जारी लोड शेडिंग है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान जो है वो आम आदमी का वो किया जा रहा है। हुकूमत ने भी इनसे यही दरख्वास्त की है, पुलिस खामोश तमाशा ही फिलहाल बनी हुई है, किसी भी तरह से जो है इन लोगों को रोका जो है अभी नहीं जा रहा। वापस स्टूडियो ले चलता हूँ, ओवर टू स्टूडियो।